Femina stage, so it's truly an honor to be hosting the first ever Femina Beauty Awards. I'm looking forward to a fun night of lots of beauty products. Obviously, I'm looking forward to our team, and I'm going to probably watch it with a whole bunch of friends. There are so many. Indian designers are so fabulous ke udhar dekhna hi nahi padta. We have such a vast talent when it comes to designers. And आज मैंने अल्पना नीरज पहना है तो obviously मुझे आज ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. It's very edgy yet it's feminine. I actually watch all World Cup matches at least. And जो tours होते हैं वो भी मैं देखती हूँ. लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि एक कंट्री के साथ मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा उनके अगेंस्ट. आई थिंक आई विल बी सपोर्टिंग इंडिया थ्रू आउट, सो आई होप दे रियली प्ले वेल एंड आई एम श्योर दैट हो सकता है कि हम फिर से ले आए ना वर्ल्ड कप. व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट इट? अरे यार प्लीज इसे हाइप ना करो. कंट्रीज कंट्रीज होती हैं, मैचेस स्पोर्ट स्पोर्ट है. लेट्स नॉट डाइल्यूट स्पोर्ट विद एनीथिंग एल्स. ये सब आपके अंदर होती है, जो बाहर दिखती है वो तो कैसे भी आप बना सकते हैं. आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं. सो आई थिंक इफ योर हार्ट इज़ ब्यूटीफुल देन यूर ब्यूटीफुल एनीवे. ब्यूटी की डेफिनेशन वैसे तो बहुत सिंपल सी है, खूबसूरती. लेकिन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ब्यूटी की सबसे आसान डेफिनेशन होगी हैप्पीनेस. एक्सेसरीज में सबसे ज़्यादा रिंग्स, आई एम अ बिग रिंग पर्सन. I think you know, I move my hands a lot, so whenever I'm talking I always tend to use my hands. So I love big chunky rings. This is my favorite designer. There's so many. I love Varun Mehra, I love Pankaj Nidhi, I love Prabal Gurung. I think you guys are completely amazing. मेरा भाई अभी आने वाला है, इस वाला उनसे पूछेगा. आई थिंक मूवी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं उनसे पहले रेडी होकर यहाँ पे आ गई हूँ. इज़ टेकन मोर टाइम, सो एनी कम यू गाइस प्लीज रैग हिम अबाउट इट. क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है? इट्स अ ब्यूटी अवार्ड. हम लड़कियाँ बहुत सारा मेकअप यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू लुक ब्यूटीफुल. एवरी गर्ल लाइक्स एज लॉन्ग एज बजट में मेरा जो गैस सिलेंडर का प्राइस है वो कम हो जाएगा ना, आई विल बी हैप्पी. थैंक यू. बहुत खूबसूरत एक्सपेक्टेशंस हैं. इट्स अ फर्स्ट फॉर फेमिना एंड आई थिंक ब्यूटी अवार्ड्स बेस्ट इन द ब्यूटी बिजनेस को रिकग्नाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम सब खूबसूरत फेसेस को रिकग्नाइज करते हैं. बिकॉज दैट्स व्हाट्स बिहाइंड दोज ब्यूटीफुल फेसेस अदर देन द इनसाइड ब्यूटी. येस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. येस एब्सोल्युटली. आई थिंक इट्स अनदर फैसेट ऑफ माइंड व्हिच पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद मीत ब्रदर्स. दे आर माई फेवरेट. दे हैव बीन चर्निंग आउट सम फैंटास्टिक ट्यून्स फॉर ऑल ऑफ अस. हर चीज़ का रेट कम हो जाए सबके लिए सहूलियत की बात है. स्पेशली आई थिंक द लोअर मिडिल क्लास उनके लिए आसानी हो जाएगी. उनके लिए चीज़ें अफोर्डेबल होना जो हम सब तो इन्जॉय करते हैं, लेकिन सर्टन पीपल कांट इन्जॉय दैट. सो माई हार्ट गोज आउट एंड आई रियली रियली होप दैट दे बेनिफिट मोस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट. हाउ स्मार्ट इज दैट? आई लव इट. यू नो रिमाइंड मी ऑफ वन मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट वेयर केट विंसलेट आस्क्ड वन ऑफ द कंटेस्टेंट व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड. एनी do I know Hindi? What? Yeah. Thoda thoda I'm learning as I'm going. You know, I'm very lucky since being in Bollywood that I've gotten to do lots of different things, and now I'm getting asked to choreograph songs for big banners and perform and act in movies and dance on TV shows. So I think every single day I'm running, doing different. So now I'm learning Punjabi for a Punjabi film I'm doing with Tips and Diljit Dosanjh. So Punjabi, Hindi, I'm learning lots while I'm here. देखो इंडिया की यूनिफॉर्म पहन के आया हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ. हम जीतेंगे इस बार वर्ल्ड कप एंड बिकॉज आई प्लेड सम क्रिकेट इन माई लाइफ तो एक्साइटमेंट लेवल्स और ज़्यादा है. तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी हम ही जीतेंगे. Feb 15th, India versus Pakistan. I'm going to wear my blue jersey and be supporting my team. Excited तो बहुत है, but अभी थोड़ा सा वक्त है पिक्चर शुरू होने में. बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से सिर्फ एक ही दिन का इंतजार होता था, वैलेंटाइन्स डे. जिनको मैंने अभी तक एंडोर्स किया है वो सारे बुरा मान जाएंगे एक साथ ही. देखिए फिर देन आई से निभार का नहीं, देन आई से व्हाटएवर आई एम वेयरिंग. आई एम वेयरिंग रूट्स इटालिया की इयररिंग्स, सो आई थिंक दे आर करंट फेवरेट. Really?
यू डोंट लाइक मीन बेबी सो देन अच्छा इसका एक्शन पसंद आया मतलब बाकी और कुछ नहीं देखा हद होगी यार माई वैलेंटाइन आई गिवन ऑफ माई डेट्स टू वन ऑफ माई मूवीज सो आई बी शूटिंग सो दैट इज द एंटायर 100 पीपल क्रू विल बी माई वैलेंटाइन ऑफ दैट डे हाँ वेल आई थिंक आई वांट टू हैव फन मुझे मज़ा आने वाला है मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों पर आती हूँ इसी वजह से बिकॉज आई थिंक दैट आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ दैट्स द होल रीजन फॉर आई एम वेल आई थिंक आई होप हर साल हम फिल्म इंडस्ट्री वाले यही सोचते हैं कि इस साल कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए ज़रूर लेकिन आई एम होपिंग कि अगर गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उनकी थिंकिंग भी चेंज हुई होगी और वो रियलाइज़ करेंगे कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है और इस देश का काफ़ी बड़ा हिस्सा है तो उन्हें थोड़ी सी थोड़ा सा कैसे कहते हैं दे शुड बी गिवन इनफ लीवे एंड द टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड ऑन देम Hi, hi guys. I'm recovering. I'm much better. I checked out of hospital yesterday. I'm back to work today. इसलिए मैं individual bites नहीं कर रही हूँ because I'm trying to conserve my energy. But thank you so much for understanding, guys. Please, Dan. आज मैं नीरव मोदी की ज्वेलरी पहन रही हूँ मैं actually Indian jewelry industry को endorse करती हूँ the German Jewelry Council of India. तो मेरे हिसाब से Indian jewelry और Indian artisans सबसे अच्छा काम करते हैं And we're trying to promote the Indian jewelry industry internationally so that we can get more funds in for our country.